नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। मोगा सीआईए स्टाफ की ओर से नाकाबंदी के दौरान दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दो गाड़ियों में कुल 1200 बोतल देसी शराब की बरामद। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह सिद्धू ने अमृतसर के मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। 100 वर्षीय समागम की तैयारियों हेतु लिया जायजा। अमृतसर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रंजीत एवेन्यू में अपना चाय वाला रेस्टोरेंट में की गई छापेमारी। खाद्य पदार्थों के भरे सैंपल। और अब हलचल विस्तार से। त्योहारों को देखते हुए मोगा पुलिस द्वारा जिले में अमन कानून की स्थिति को बरकरार रखने के लिए पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है और शहर के अलग अलग चौकों में नाकाबंदी की जा रही है। इसी के तहत सीआईए स्टाफ की ओर से थाना बढ़नी के एरिया में नाकाबंदी की गई और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक स्विफ्ट गाड़ी को रोककर जब उनकी चेकिंग की गई तो एक गाड़ी में 48 पेटी और दूसरी गाड़ी से 52 पेटी देसी शराब पंजाब मार्का बरामद हुई। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसपीएच मनमीत सिंह ने बताया कि पकड़ी गई कुल 1200 बोतल देसी शराब को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो वहीं 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। त्योहारा मद्देनजर रखते हुए मोगा पुलिस वालों पुलिस दिया वख-वख थाणियां विच एरिए विच गश्तां लगाईयां गईयां सन, जो गश्त के दौरान थाणा बदनी कलां के एरिए विच 2 गड्डियां काबू कीतियां गईयां, एक स्विफ्ट डिजायर ते एक स्कॉर्पियो गड्डी है, जिस तकरीबन 100 पेटी तकरीबन 1200 बोतल शराब की बरामद हुई है। 4 दोषी ने जिन्हों 2 दोषी गिरफ्तार हो गए ने, तो यह सीआईए स्टाफ मोगा वालों दौराने गश्त करते हुए बदनी एरिया विच रिकवरी हुई है। 2 मुजरिम अरैसट हो गए हैं, 4 टोटल मुजरिम से 2 हजे भजे हुए हैं, उन्होंने भाल जारी है, जल्दी अगली कार्रवाई की जाएगी। जिम्मे त्यौहार आ रहे हैं, हाँ जी, बाजारां च रश हुंदा, त्यौहारां दे दिन ने, साडी पुलिस दी प्रेजेंस हैगी है सारे पासे, ते सब नूं त्यौहारां दी शुभकामनावां, ते यही मैसेज है कि बी सेफ एंड अराइव सेफ। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह सिद्धू अमृतसर के मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के लिए पहुंचे। अमृतसर मेडिकल कॉलेज के 100 वर्षीय समागम को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस समागम में मुख्य मेहमान के रूप में शिरकत करेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि जिसके चलते वे जायजा लेने के लिए मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री मुख्य मेहमान के रूप में यहां शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि अमृतसर के इस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को नई दिशा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं वे अमृतसर मेडिकल कॉलेज से ही तैयार होकर गए थे। 100 वर्षीय समागम में इस अस्पताल को नई इमारत भेंट की जाएगी। उन्होंने कहा कि दवाइयों के लिए अमृत फार्मेसी और जेनेरिक औषधि की दुकानें अस्पताल के अंदर ही होंगी, ताकि मरीजों को अंदर से ही दवाइयां मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का एजेंडा है कि मरीजों को जो भी दवाइयां चाहिए वे उन्हें अस्पताल के अंदर से ही निशुल्क मिल सके। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में दिमाग की न्यूरो सर्जरी, कैंसर के मरीजों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो, मेडिकल कॉलेज में बार बार आ रहे हैं जी, बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है। हुण तक जिहड़े पीजीआई दे 9 डायरेक्टर होए आ, ते उहनां दे जिहड़ा मौजूदा डायरेक्टर है, और टोटल 9 दे विचों 5 डायरेक्टर अमृतसर मेडिकल कॉलेज तों गए सीगे, और इस तरह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस के पहले जो 2-3 डायरेक्टर से वो इतों गए थे। ये जिहड़ा कॉलेज है, इहदी हुण 100 साल पूरे होने जा रहे हैं जी, सेंटेनरी ये असीं 100 साल मना रहे हैं। उहदे वास्ते साडे माननीय मुख्यमंत्री अपना 17 नवंबर को टेंटेटिव हैगा उन्हां दा, ते वो आके इहदी शुरुआत कराणगे जी, शुभ शुरुआत। उहदे च बहुत सारे जिहड़े साडे प्रोजेक्ट्स हैगे नवें शुरू किए जा रहे हैं,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਇਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸਾਇਮੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ MLA ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ADC, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਟਲਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰੇਗੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਿੰਗ ਨਵਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਕਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਬੈਡਰਿਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਇਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਜ਼ਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਮੱਛਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਟਰੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਿੱਜ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕੂਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ, ਠੀਕਰਾ ਭਾਂਡਾ, ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ 100 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਡੀਜ਼ ਚਿਪਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਡੈਥਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ, ਮੈਡੀਸਨਸ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੈਡਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੋਭਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਮੋਸੀਆ ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ
जानकारी के बावजूद भी उस तो बाद जेकर कोई मशीन खराब हो जाती है वो दस दस पंद्रह पंद्रह दिन खराब हो ही रही है वो वास्ते किनू तुम जिम्मेदार मानते हो सिर्फ प्रशासन जो हूँ स्थानीय अधिकारी क्योंकि हम स्टैच करके पिछले दिन गुरु नानक हॉस्पिटल की एम आर आई खराब हो गई मशीन सिटी स्कैन बाद दस पंद्रह दिन लोगों को बाहर इतने पंद्रह सोलह सौ रुपये तेरह सौ रुपये पहुंची वो बाहर तीन तीन चार पांच पांच दस पंद्रह पंद्रह हज़ार तक पहुंची हूँ टेस्ट कल की गल है कि सिविल हॉस्पिटल के एक्सरे मशीन पिछले बारह अक्टूबर में खराब हुई जी बाई में शुरू हुई तेई में फिर खराब हो गई कोई उसे जवाब दे ना एस एम ओ ना सिविल सर्जन सिविल सर्जन को फोन करो कहते मैं पता करता पहली गल मैं पता ही नहीं जो फोन करो कहते मैं बहुत बिजी हाँ बाद से गल करा सो इस तरीके का सर जिम्मेदारी देखो एक तरीका है जिस तरह से मल्ला क्लिनिक दे विच ना जैसी पैथ लैब्स करके है वो चाली टेस्ट उन्होंने करने है जी वो असी सर्विस आउटसोर्स करती एक तो यह तरीका यह है जी दूजा यदा तरीका है जिस तरह कृष्णा डायग्नोस्टिक है वो सिविल हस्पताल चाहे मैडिकल कॉलेज असी नहीं रखी इस करके नहीं रखी क्योंकि उन्होंने पोस्ट ग्रैजुएट तो पढ़ा इन मशीन अपनी चाहिए ये वास्ते असी एक नवी जी स्ट्रैटी मैं लागू कर जा रहा वह हल ये है भी असीू असी कहने जी मतलब जो रीजेंट है वो असी खरीदा मशीन कंपनी की होगी वो मेनटेन करेंगे खराब होगी आप ठीक करेंगे मशीन उन्होंने होगी चला वाले बंदे साढ़े होने जो कंज्यूमेबल्स होने जोड़े वो रीजेंट्स होने भी एक मोड है जी मतलब ये असं ये अडोप्ट कर जा रहे हैं कि मशीन कंपनी की होएगी वो आप ही मेनटेन करे जो नवी आएगी तो अपग्रेड करे लेकिन साढ़े बंदे ओपरेट करे ये बहुत अच्छा मॉडल है जोड़ा सा जो संगरूर कैंसर हॉस्पिटल है बाबा कैंसर हॉस्पिटल उसे बहुत वीडियो चल रहा वह मैं अडोप्ट कर जा रहा ताकि मशीन बड़ी दिक्कत दूर हो जाए। अमृतसर स्वास्थ्य विभाग की ओर से अमृतसर के रंजीत एवेन्यू इलाके में अपना चाय वाला रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राजेंद्र पाल ने बताया कि उन्हें एक वीडियो मिली थी जिसमें अपना चाय वाला के पिज्जे में कीड़े पाए गए थे जिसके चलते उन्होंने अपनी टीम के साथ यहां छापेमारी की है। जब वे इनकी रसोई में गए तो वहां काफी कमियां पाई गई, कई चीजों की डेट भी एक्सपायरी हो चुकी थी जिसके चलते उन्होंने यहाँ के पनीर और कई चीजों के सैंपल लिए हैं। उन्होंने कहा कि वे शहर के रेस्टोरेंटों के मालिकों को अपील करते हैं कि वे अपनी रसोई को स्वच्छ रखें और ग्राहकों को साफ व स्वच्छ भोजन उपलब्ध करवाएं। अगर कोई भी गलत पाया गया या एक्सपायरी डेट का सामान इस्तेमाल में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अपना चाय वाला रेस्टोरेंट के मालिक को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया गया है और इनके खाने पीने वाली चीजों के सैंपल भी लिए गए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी, कल मैं एक वीडियो व्हाट्सएप पे आई सी जिदे विच अपना चाय वाला रंजीत एवेन्यू ये एक पिज़्ज़ा दे विच सूली चली फटी सी जिस ते असी एक्शन लैंदे हैं जो कि अज असी इत्थे आए हैं। इन्हां दी किचन दी इंस्पैक्शन की है, किचन दे विच इन्हां दे जिहड़े डस्टबिन सी ओह अनकवर्ड सी और चॉपिंग बोर्ड्स भी जिहड़े सी कंटैमिनेटेड सी एंड कुछ एक अद्धा बेसन का पैकेट से जो खुले हुआ इसमें एक्सपायर्ड से उसमें से डिस्ट्रॉय करा दिता है और इन्हों का जोड़ा पनीर से वह असं सैंपल लै लिया जिस चाय के पत्ती यूज करते हैं वह सैंपल लै लिया और ना ही अपना इन्होंने नोटिस इशू कर दिता। जी मेरी यही है कि सानू डिपार्टमेंट में लगातार जोड़ा सुंडियाँ वगैरह वाली कंप्लेट जी बड़े रेस्टोरेंट्स को पिछले कल सू एक पैलेस वाली कंप्लेन से सो डिपार्टमेंट सारे अपील है कि अपने जो रेस्टोरेंट की किचन की हाइजीन है सही करो, सही तरीके दे नाल अपना जोड़ा है चीज़ा प्रिपेयर करो, एक्सपायर्ड आइटम्स में जोड़ा है किसी हालत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेकर फिर भी ये तुसी लोग नहीं समझते देखो गल इस तरह होंगी है जी जिस तरह ये की करते हैं जिस तरह साढ़े स्टोरस ने उत्थे की होंगे पंद्रह दिन बीस दिन या तीस दिन पहला एक्सपायरी तो समान ही ले आते हैं और इन्हों का जो यूज़ घट होने करके फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे कि चीज़ एक्सपायर्ड हो चुकी है। सो मेरी हूँ साड़ी
भी सानू क्योंकि लगातार एक तो बाद एक कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो डिपार्टमेंट भी अगर यहोजा काम तुम लोग करोगे तो डिपार्टमेंट फिर सख्त तो सख्त एक्शन लेगा, फिर ना कहा जाए कि सानू जो डिपार्टमेंट तंग कर जो स्पैर हो जाने को लगता है कोई मर भी सकता है जो कोई हादसा भी हो सकता है। ये देखो नहीं चीज़ का इस तरह होंगे जो कोई चीज़ दी बेस्ट बिफोर लिखी है डेट तो इट मीनस कि उस तो बाद जी चीज़ा की खाने की जी कई तरीके की कॉन्स्टिपेशन आ सकती हैं। यस अगर कोई भी चीज़ मतलब साल दो साल तो बाद एक्सपायर्ड है तो ओबियसली कोई ना कोई भी मिसहैपनिंग भी होने के चांसिस रह सकते हैं। जुर्माना पाया या कोई नहीं अभी सैंपल ले लिया जी और चलानिया इशू कर दिता। माँ बंगला मुखी धाम नज़दीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगला मुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगला मुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान समीर कपूर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भक्ति वे लोग ही कर पाते हैं जिनका मन शांत है और जो धैर्य धारण किए रहते हैं, इन गुणों के बिना भक्ति कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग गुस्सा करते हैं जिनमें धैर्य नहीं है वे कभी भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। नवजीत भारद्वाज ने बताया कि माँ बंगला मुखी जी के निमित्त संपूर्ण फलदायी अलौकिक मासिक हवन यज्ञ का आयोजन 29 अक्टूबर रविवार को मंदिर परिसर में किया जा रहा है। उन्होंने सभी माँ भक्तजनों से इस सुअवसर पर हवन यज्ञ में सम्मिलित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, गौरी शर्मा, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय, बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, बलदेव राज, विनोद खन्ना, दिशांत शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, अजीत कुमार, नवदीप सिंह, उदय, हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस राकेश, डॉक्टर मुकेश गुप्ता, केहर सिंह, प्रदीप शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत विशाल प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। नवरात्रों के पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में नवरात्रों की हर शाम मां के नाम भजन संध्या के दौरान भजन गायक हिमांशु वत्सन पाटी ने गणेश वंदना को गाकर भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने मां की मधुर भेंटों को गाकर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद ने भजन गायकों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया, जिसके बाद कंजक पूजन भी किया गया। इस अवसर पर मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल, अरुण वर्मा, गौरव शर्मा, राजू शर्मा, दमन मेहता, प्रदीप अरोड़ा, रमन शर्मा, साधु राम कालिया, संदीप लक्की, दविंदर साहनी, अजय लाली सहित असंख्य माँ भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन कुलदीप की रिपोर्ट। Yeah.
बुलाया शेरवाने मैं आया जोता वाली हो तूने मुझे बुलाया शेरवाली मैं आया जोता वाली ओ पाड़ा वाली ओ जोता वाली तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जो तमाली तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जो तमाली मैं सैनिक सर्वे टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी तरफ से ये नाइस स्ट्रीम जो चल रहा है माँ के दरबार और माँ का आशीर्वाद उनके सर पे बन रहा है और मम ऐसी गाते रहे वो तूने मुझे बुलाया शेरा वाली मैं आया जोता वाली ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वाली Oh, 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 oh
सृष्टि की आदि शक्ति नारी को संगठित कर उसे राष्ट्र के कार्यों में लगाने के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना विजयदशमी के दिन लक्ष्मीबाई केलकर ने की। इसी के अंतर्गत विजयोत्सव पर जालंधर विभाग की ओर से पथ संचलन आयोजित किया गया। ये संचलन श्री अन्नपूर्णा मंदिर जालंधर से सुबह 11 बजे आरंभ होकर शहर के अलग अलग चौकों से होते हुए वापस अन्नपूर्णा मंदिर में आकर संपन्न हुआ। इस दौरान देशभक्ति के गीतों के घोष के साथ गाती सेविकाओं ने महानगर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस दौरान मार्ग में विभिन्न स्थानों पर गणमान्य लोगों ने पुष्पित अभिनंदन किया। पथ संचलन को सफल बनाने में सभी का सहयोग रहा। इस मौके पर मुख्य वक्ता मीनाक्षी वशिष्ठ, ललिता थापर, अनीता कौशल, अमिता गर्ग, कुसुम लता, रेणु खन्ना, पूनम हांडा, विजय लक्ष्मी, शोभा, रितु वर्मा भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज हमारा कार्यक्रम विजयलक्ष्मी पर रखा गया है। इसमें हमारे यहाँ पर मदनीय मौसी जी ने 25 अक्टूबर 1936 में विजयलक्ष्मी वाले दिन राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना रखी थी। इसलिए हम उस उपलक्ष्य में हर वर्ष विजयलक्ष्मी वाले दिन की हम यहाँ पर पथ संचलन का कार्यक्रम निकालते हैं और ये पूरे भारत वर्ष में ही निकाला जाता है। आज के दिन धार्मिक, सामाजिक एवं जरूरतमंदों के कार्यों में हमेशा से अपना योगदान देने वाले विजय कुमार सहगल का गत दिवस स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गीय विजय कुमार सहगल की आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री राम हाल में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने पाठ कर स्वर्गीय विजय कुमार सहगल की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, आप नेता अमित ढल, प्रवीण सहगल, पूर्व मेयर सुरेश सहगल, रिक्की सहगल, तिलक राज सहगल, दीपक सहगल, राकेश थापर, मनु सहगल, रिंकू सहगल, विक्की सहगल, जीवनलता सहगल, कमलेश रानी सहगल, शुभलता सहगल, श्वेता सहगल, रितु सहगल, शैली सचदेवा, कैलाश सहगल, नमन सहगल, तृप्ता चोपड़ा, नीरजा खन्ना, वरिंदर खन्ना, मोनिका चोपड़ा, अजय चोपड़ा, पीयूष सहगल, मेघा सहगल, कश्वी सहगल सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय विजय कुमार सहगल को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। सहगल साहब इतने की है, आगे की होना है, ये राखी जानता है, कोई पंडित जोशी, महात्मा, ऋषि, मुनि कोई भी जान नहीं सकता। मैं 15 दिन तो बाद मुझे पूछा, कहते मुझे आनंदी जिन्हें अपनी पितरिया का तर्पण तर्पण श्राता नहीं करो तर्पण दे रहा है उन्हें सो अधिकाय करो तो हम करी कष्टे प्राप्त होंगे। उस सुपार बेटा मुझे नैनी करी कितने होंगी है गया नहीं राजा दशरथ दशा में शामा ने मालक थे उन्हें स्वर्ग नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बेटा नाम दिया। स्वर्ग नाम मिलने के नाल भगवान राम जी ने
16 दिन ने एक एक पिंड जाके शरादा में दिता सी, फिर जाके उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति उत्तों फुला ली बस खान है बेटा राम तेरे वर्गा पुत्र हर खाते में चल होना चाहिए। अज नाम तो राम रख लेनी है पर राम वर्गे होता नजर नहीं आते, होता राम तो भाग्य मारे आ पर नहीं मारे कहते राम के नाम की बड़ी ताकत है, राम नाम की रूप है रूप सगे को रूपे अंत काल पछतावे काल के प्राण जाने सब प्राण चले गए फिर तो राम को लगता है। गुरु महाराज की इच्छा दे अनुसार अगर उठे नहीं जा सकते पहले फलगू जाओ जब सोमा मंती अमावस्या आए, अगर उठे नहीं जा सकते पिद्धी में सुरेश जी किन्नी बड़ी गया किन्ने मिनट 15-20 मिनट अद्धा घंटा किथे 16 दिन है किथे 16 मिनट एक जिंदगी की गल याद रखना। पहली गल तो कि पितरियां का दान लेना कुछ सौखा काम नहीं, जैसा अन्न वैसा। भगवान वाल्मीकि सभा बस्तियात की ओर से भगवान वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में बस्तियात इलाके में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सांसद सुशील कुमार रिंकू, पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी, विधायक शीतल अंगुराल के भाई राजन अंगुराल और मेजर सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि महाराज जी के जीवन से संबंधित सुंदर झांकियां भी सजाई गई। इस मौके पर सभा के सदस्यों की ओर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधान विजय कुमार, चेयरमैन सुरेंद्र बत्रा, जनरल सचिव लाडी थापर, रोशन लाल थापर, बिहारी लाल गिल, भूपेंद्र हंस, सोनू सहोता, सौरभ पदम, राजकुमार दत्त, वीके सहोता, अश्वनी अटवाल, सुखदेव बत्रा, विक्की नाहर, अरुण हंस, गुलशन थापर, रवि गिल सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। लाडी थापर जी, और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। मोगा सीआईए स्टाफ की ओर से नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, 2 गाड़ियों में कुल 1200 बोतल देसी शराब की बरामद। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह सिद्धू ने अमृतसर के मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, 100 वर्षीय समागम की तैयारियों हेतु लिया जायजा। अमृतसर स्वास्थ्य विभाग की ओर से रंजीत एवेन्यू में अपना चाय वाला रेस्टोरेंट में की गई छापेमारी, खाद्य पदार्थों के भरे सैंपल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।